गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। बेटा हमने पिछली क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन का बेसिक्स लिया था, आज मैं थोड़ा सा आगे और चलता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में। मैंने पिछली क्लास में आपको वन वन ऑन्टो, मैनी वन ऑन्टो, विन इंटो फंक्शन, ऑन्टो फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, इसके बारे में बातें की थी। अब मैं थोड़ा और आगे चलना चाहता हूँ। जैसे बेटा आपने को दे दिया उसने f इज फ्रॉम R टू R, तुमने कहा अच्छा f इज फ्रॉम R टू R, मैंने कहा हाँ। और एफ एक्स दे दिया बेटा उसने, क्या दे दिया मोड एक्स, बताओ ये कैसा फंक्शन है। तुमने कहा मोड एक्स, मैंने कहा बेटा मोड एक्स का ग्राफ देखो बेटा तो ये कैसा दिख रहा। तुमने कहा ग्राफ तो ऐसा दिख रहा है बेटा, ये ऐसा ये किसके पैरेलल है बेटा, एक लाइन ड्रॉ करे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा, दो पॉइंट्स पे। तो मैंने कहा बेटा ये मेनी वन फंक्शन है। तुमने कहा अच्छा मेनी वन फंक्शन है, मैंने कहा बेटा ये मेनी वन फंक्शन है। अच्छा इसकी रेंज क्या है, तुमने कहा रेंज, तो रेंज इसकी बेटा क्या है, जीरो टू इनफाइनाइट। अच्छा रेंज जीरो टू इनफाइनाइट है, मतलब आर प्लस है, मैंने कहा हाँ बेटा आर प्लस, जीरो से इनफाइनाइट। तुमने कहा यस, तो बेटा रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ओके, रेंज कोडोमेन की इक्वल नहीं है, उसका प्रॉपर सबसेट है। अच्छा प्रॉपर सबसेट है, मैंने कहा हाँ। इसका मतलब बेटा ये इंटो है या ऑन्टो है, तुमने कहा बेटा इंटो फंक्शन है। अगर इक्वल हो जाती तो ऑन्टो कहता, नहीं तो ये इंटो, तो ये मेनी वन इंटो फंक्शन हो गया। मेरे हिसाब से आपको बात क्लियर हो चुकी। अब बेटा आपसे कोई बोले एफ एक्स एफ इज फ्रॉम आर टू आर, एफ एक्स इक्वल फ्रैक्शनल एक्स। अच्छा फ्रैक्शनल एक्स की बात कर रहे हो, मैंने कहा हाँ बेटा फ्रैक्शनल एक्स की बात कर रहा हूँ। बेटा फ्रैक्शनल एक्स कैसा बेटा, तुमने कहा बेटा फ्रैक्शनल एक्स की बात करूँ तो बेटा ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। बेटा ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये माइनस वन, ये माइनस टू, ये माइनस थ्री, बेटा ये जीरो। बेटा ये कैसा तुमने का ग्राफ ऐसा, ये कैसा तुमने का ग्राफ ऐसा, ये कैसा तुमने का ऐसा, ये कैसा तुमने का ऐसा, ये कैसा बेटा ऐसा, 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 ये बेटा हमारे पास है। तुमने कहा अच्छा अच्छा एक लाइन ड्रॉ करे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बेटा ये ऐसे कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा, और बहुत सारे पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये बेटा कितना कैसा फंक्शन हो गया। तुमने कहा बेटा ये तो श्योर हो गया कि मेनी वन फंक्शन है, तो एक तो क्लियर होगी मेनी वन फंक्शन। ओके अब बेटा ऑन्टो है या इंटो है, तुमने कहा ऑन्टो या इंटो की बात करने चाह रहे हो, मैंने कहा हाँ बेटा। अब बेटा देखो इसकी रेंज क्या है, तुमने कहा बेटा इसकी जो फ्रैक्शनल एक्स रेंज है, रेंज बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल जीरो और ओपन इंटरवल वन। अच्छा रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, तो रेंज है सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन, मतलब कि बेटा इसका प्रॉपर सबसेट है। अच्छा प्रॉपर सबसेट है, इसका मतलब बेटा ये फंक्शन कैसा हुआ, मेनी वन इंटो फंक्शन हुआ। कैसा फंक्शन हुआ, मेनी वन इंटो फंक्शन। मेरे हिसाब से आपको ये बात क्लियर हो गई, आप आराम से क्वेश्चन को डील कर सकते हैं अच्छे से बेटा। अब बेटा अगर मुझे बोलते ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को कैसे चेक करते हैं, बेटा मैंने कहा एफ इज फ्रॉम आर टू आर, एफ एक्स इक्वल साइन एक्स। तुमने कहा अच्छा ये कैसा फंक्शन है, मैंने बेटा ग्राफ बनाया मस्त बेटा। तुमने कहा यस बेटा ये, बेटा एक लाइन ड्रॉ करे पैरेलल टू एक्स एक्सिस कितने बहुत सारे पॉइंट्स पे, तो बेटा ये हो गया मेनी वन। अच्छा बेटा इसकी रेंज क्या है, तुमने कहा रेंज हो गई इसकी माइनस वन टू प्लस वन। अच्छा तो बेटा रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, और कोडोमेन क्या है आर। अच्छा मींस इंटो फंक्शन, मेनी वन इंटो फंक्शन। तुमने कहा सर कोई ऐसा सीन हो सकता है कि ये वन वन ऑन्टो बन जाए, मैंने कहा बिल्कुल बन सकता है बेटा। कैसे, मैं सीन लेता हूं बेटा, मैंने कहा एफ इज फ्रॉम माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू टू माइनस वन टू प्लस वन। तुमने कहा अच्छा, अब बेटा मैंने फिक्स कर दिया उसको, बाउंड कर दिया कि बेटा इंटरवल ये का ये है। तुमने कहा अच्छा, तो बेटा अब मैं ग्राफ बनाता हूँ ये ऐसे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अच्छा तुमने कहा ये माइनस पाई बाई टू, और ये कितना बेटा प्लस पाई बाई टू। अच्छा पाई बाई टू पे वैल्यू कितनी, साइन एफ एक्स बराबर साइन एक्स दिया मैंने,
अच्छा साइन एक्स है, मैंने कहा हाँ बेटा, तो पाई बाई टू पे वैल्यू कितनी, वन, तो बेटा ये ग्राफ ऐसा, तुमने कहा यस, और ये ग्राफ बेटा कैसा, ऐसा, अच्छा, अब बेटा ये माइनस पाई बाई टू पे वैल्यू कितनी, ये बेटा माइनस पाई बाई टू, ये प्लस पाई बाई टू, तुमने कहा अच्छा, ये एक्स इक्वल पाई बाई टू और ये एक्स इक्वल माइनस पाई बाई टू, अच्छा बेटा इनके बीच में अगर एक लाइन खींचूं तो बेटा मेरे कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सिंगल पॉइंट पे, तुमने कहा यस, और बेटा मिनिमम वैल्यू इसकी क्या है, तुमने कहा माइनस वन, अच्छा, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तुमने कहा प्लस वन, तो बताओ ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसलिए वन वन फंक्शन है, तुमने कहा अच्छा ये वन वन फंक्शन है, अच्छा ऑन्टो है या इंटो है, तो मैंने कहा बेटा रेंज कैसा, तुमने कहा रेंज इसकी है माइनस वन से प्लस वन के बीच में, अच्छा तो रेंज बिलोंग्स टू माइनस वन टू प्लस वन, अच्छा रेंज बराबर ये है बेटा, और रेंज और कोडोमेन भी ये है, इट इज इक्वल्स टू कोडोमेन, अच्छा रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल हो गए इसलिए वन वन ऑन्टो फंक्शन है, मेरे हिसाब से आपको बात क्लियर हो गई बच्चों, जैसी बात है आराम से हम डील कर सकते हैं। बेटा उसने मुझे कह दिया एफ एक्स इज कॉस एक्स और एफ इज फ्रॉम जीरो टू पाई टू माइनस वन टू प्लस वन, अच्छा कॉस एक्स जीरो से पाई, बेटा देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, तो बेटा इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा बेटा जीरो से पाई में, मैंने कहा अच्छा जीरो पे वैल्यू कितनी बेटा, तुमने कहा वाई इक्वल वन, पाई पे वैल्यू कितनी, तुमने कहा बेटा माइनस वन, अच्छा माइनस वन से प्लस वन भी एक लाइन खींचे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट पे, इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है बेटा, तुमने कहा वन वन फंक्शन है, अच्छा ये वन वन तो है, अच्छा ये ऑन्टो है या इंटो है, तुमने कहा रेंज इक्वल कोडोमेन, अच्छा और ये किसके बराबर है बेटा, तुमने कहा माइनस वन टू प्लस वन, रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल है और इसकी वैल्यू किसके बीच में, माइनस वन से प्लस, और रेंज और कोडोमेन इक्वल है इसलिए वन वन ऑन्टो में इसको मैं कहूंगा, मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ रही है बच्चों, ऐसी बात है आराम से हम डील कर सकते हैं। अब बेटा आपसे अगर ऐसे बोल दिए बेटा मुझको, बात ध्यान से सुनना, अगर मैंने ऐसे बोला एफ इज फ्रॉम आर टू आर माइनस ये जीरो टू पाई बाई टू, जीरो टू पाई एक्सेप्ट पाई बाई टू टू आर और एफ एक्स इक्वल टेन एक्स, ये कैसा फंक्शन है, तुमने कहा जीरो टू पाई एक्सेप्ट पाई बाई टू, ओके बेटा इसका टेन एक्स की बात करें बेटा, तुमने कहा यस ये एक्स इक्वल जीरो एक्स इक्वल पाई बाई टू और एक्स इक्वल पाई, बात सुनना बेटा तुमने कहा यस, तो बेटा ये ग्राफ ऐसा, ये ऐसा ग्राफ और ये बेटा इस तरह से जा रहा था, अब बेटा देखो ये कहां पे इंटरसेक्ट, अब मैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस खींचो, ये बेटा ऐसे कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कहीं पे भी एक लाइन खींचो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है, तुमने कहा वन वन, अच्छा बेटा इसकी रेंज क्या, तुमने कहा बेटा माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक, कहां तक, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक, तुमने कहा अच्छा अच्छा ये बात है, मैंने कहा बेटा ये बात है, आराम से हम डील कर सकते हैं, तुमने कहा माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक, मतलब रेंज बराबर कोडोमेन, बराबर कोडोमेन इक्वल आर, तुमने कहा यस, इसका मतलब वन वन ऑन्टो फंक्शन है, मेरे हिसाब से आपको ये बात क्लियर हो गई, आराम से हम डील कर सकते हैं। अब आपसे बोले बेटा एफ एक्स इक्वल ए एक्स प्लस बी है, ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये कैसा फंक्शन है, तुमने कहा अच्छा ए एक्स प्लस बी और ए और बी बिलोंग्स टू आर है, ओके मैंने कहा बेटा ये तो एक लाइन दिख रही है वाई इक्वल ए एक्स प्लस बी, तुमने कहा बिल्कुल बेटा, देखो ये लाइन खींचे ऐसे, ये y इक्वल ए एक्स प्लस बी लाइन है बेटा, y इक्वल ए एक्स प्लस बी लाइन है, ये लाइन है बेटा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी, इनफाइनाइट, और एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ पैरेलल टू x एक्सिस, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट पे, तो ये तो श्योर हो गया बेटा ये वन वन है,
अच्छा ये 1-1 है, मैंने कहा हाँ। और रेंज क्या? तुमने कहा रेंज इसकी, बेटा मैंने कहा एफ इज फ्रॉम आर टू आर। रेंज क्या? तुमने कहा बेटा रेंज इक्वल टू कोडोमेन इक्वल आर। अच्छा इसका मतलब ये कैसा फंक्शन? ऑन टू फंक्शन है। मैंने कहा अच्छा बेटा 1-1 फाइंड करने का और तरीका है क्या? मैंने कहा बेटा दूसरा 1-1 फाइंड करने का एक तरीका मैंने आपको बताया था fx1। क्या तरीका बताया था बेटा? fx1 इक्वल fx2। तुमने कहा हाँ यार fx1 इक्वल fx2। तुमने कहा हाँ भैया fx1 इक्वल fx2, तो x1 x2 आना चाहिए। fx1 कितना बेटा? तुमने कहा ax1 प्लस b इक्वल ax2 प्लस b। ये b से b गया बेटा और a से a गया, तो यहाँ से x1 इक्वल x2 आ गया। अगर x1 इक्वल x2 कर रहे हैं तो fx1 इक्वल fx2 आ रहा है, या fx1 इक्वल fx2 कर रहे हैं तो x1 इक्वल x2 आ रहा है, तो मीन्स श्योर है ये कैसा फंक्शन है बेटा? तुमने कहा 1-1 फंक्शन है। बेटा अगर मैं दूसरा एक मेथड और था कि मैं इसका डिफरेंशियल करूं dy/dx, तो बेटा ये a आया। अब या तो a पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, मतलब या तो a ग्रेटर देन 0 है तो ये इंक्रीजिंग होगा, और a लेस देन 0 है तो ये डिक्रीजिंग होगा। मतलब a होगा कोई एक, किसी एक समय पे एक होगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। पॉजिटिव हुआ तो इंक्रीज होगा, नेगेटिव हुआ तो डिक्रीज होगा। ऐसा नहीं कि गिवन डोमेन में कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा बेटा? 1-1 फंक्शन है। मेरे हिसाब से आपको बात क्लियर हो गई बच्चों, जैसी बात है आराम से हम डील कर सकते हैं। बेटा ये कैसा फंक्शन है? तुमने r0 to r0 fx बेटा, मैंने कहा यस। बेटा एक तो हम इसका ग्राफ बनाते हैं, तुमने ग्राफ बनाना चाहते हैं? मैंने कहा हाँ बेटा। बेटा एक लाइन खींचो पैरेलल टू x। कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया? एक पॉइंट पे। कोई भी लाइन खींच लो बेटा पैरेलल, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, इसलिए 1-1 बेटा। अच्छा इसका रेंज क्या? तुमने कहा माइनस इनफाइनिट से लेकर प्लस इनफाइनिट, बस 0 नहीं होगा, मतलब आर रेंज इक्वल कोडोमेन इक्वल r0। अच्छा मतलब ऑन्टो फंक्शन है, मतलब 1-1 ऑन्टो फंक्शन है। क्लियर हो गया? तुमने कहा सर हम ऐसे नहीं जानना चाहते, तो मैंने कहा बेटा मेथड 2 है हमारे पास, fx1 इक्वल fx2, तो 1/x1 इक्वल 1/x2, दैट इज x1 इक्वल x2। अरे बेटा ये कैसा फंक्शन? तुमने कहा fx1 fx2 किया तो x1 x2 आ गया, तो ये 1-1 फंक्शन हो गया, ये 1-1 फंक्शन। अब बेटा देखो मेरी बात सुनना बेटा, बढ़िया बच्चों की तरह मेरी बात सुनना। मैंने कहा बेटा मुझे मेथड थर्ड क्या है इसका? 1-1 बेटा। मैंने कहा इसका डिफरेंशियल fx कितना? 1/x, और f'x कितना? तुमने कहा बेटा f'x -1/x2। ये बेटा ऑलवेज पॉजिटिव बाहर लगा हुआ है तो ये लेस देन 0 होगा ऑलवेज, इसका मतलब डिक्रीजिंग ऑलवेज। मैंने कहा या तो डिक्रीजिंग हो रहा हो या इंक्रीजिंग हो रहा हो, तो अपन बोलते हैं ये 1-1 फंक्शन है। इसका मतलब बेटा ये 1-1 फंक्शन है। और ऑन्टो देखने के लिए तो बेटा हमें पता ही है कि आपको रेंज निकालनी पड़ेगी, और रेंज इसके अपन निकाल चुके हैं किसके इक्वल है r0, तो रेंज और कोडोमेन इक्वल है इसलिए ऑन्टो। तो हम डायरेक्ट इसको कह दें कि ये फंक्शन कैसा फंक्शन है? 1-1 ऑन्टो। मेरे हिसाब से बात आपको क्लियर हो गई। बेटा ये कह रहा एफ आर टू आर fx इक्वल x^4, ये कैसा फंक्शन? मैंने कहा बेटा बच्चों जैसी बात है, ये तो फंक्शन ऐसा, एक लाइन खींचो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 2 पॉइंट। तुमने कहा मेनी वन। अच्छा बेटा इसकी रेंज क्या दिख रही है? तुमने कहा रेंज, मैंने कहा हाँ बेटा। तुमने कहा 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, तो रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। यहां से देखो रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है, इसलिए इंटो फंक्शन। तुमने कहा अच्छा अच्छा बेटा आपसे अगर एक क्वेश्चन मैं ऐसे रखूं कि fx इक्वल x^3 - x और f इज फ्रॉम r to r, तुमने कहा अच्छा ये वाला, मैंने कहा हाँ बेटा ये फंक्शन कैसा है? तुमने कहा बेटा देखो x cube है ना बेटा,
एफ एक्स इक्वल कितना बेटा, एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको मैं ऐसे लिखा एक्स एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। बेटा एक बात बताना, ये एक्स एक्सेस है ये वाई, बेटा ये कहाँ का जीरो हो रहा है, एक तो जीरो पे वन, बेटा ये ग्राफ जो है ना बेटा वो ऐसे जाने वाला है, ऐसे जाके ऐसे जाने वाला है। कौन कौन सा है, एक तो बेटा ये माइनस वन है, एक एक्स इक्वल जीरो है और एक एक्स इक्वल वन है। तुमने कहा यस। बेटा एक लाइन खींचो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही, एक दो तीन, कितने पॉइंट पे, एक दो तीन, तीन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही। इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है बेटा, तुमने कहा ये फंक्शन जो है ये मेनी वन फंक्शन है। अच्छा अच्छा मेनी वन, अच्छा इसकी रेंज क्या, तुमने कहा माइनस इन्फाइनिट से लेकर प्लस इन्फाइनिट तक। अच्छा माइनस इन्फाइनिट से प्लस इन्फाइनिट, मतलब यस, तो मेनी वन ऑनटो हो गया। क्यों, क्योंकि रेंज और कोडोमेन बराबर है, रेंज इक्वल कोडोमेन, और वो किसके बराबर, तुमने कहा आर के बराबर, तो बेटा ऑनटो फंक्शन। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया कि ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, मेनी वन ऑनटो फंक्शन है। एफ इज फ्रॉम आर टू आर, एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर। बेटा ये ऐसे आ जाए या अंडर रूट एक्स स्क्वायर कहे या ऐसे कह दे एक्स प्लस मोड एक्स, एक ही बात है बेटा, दोनों क्वेश्चन एक ही है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर मतलब मोड एक्स ही है। बेटा इसको स्प्लिट करता हूं, मैंने कहा बेटा एक्स अगर जीरो से कम हो, जीरो से कम होने पे मोड एक्स कितना माइनस एक्स, और जीरो से ज्यादा होने पे एक्स प्लस एक्स। इसका मतलब बेटा मेरे पास एफ एक्स कितना आ गया, तुमने कहा जीरो व्हेन एक्स लेस देन जीरो और टू एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल जीरो। अब बेटा मैं इसका ग्राफ बनाना चाहता हूं, एक्स ये वाई। बेटा जब जीरो से कम है, जीरो से कम है तो ये जीरो, तुमने कहा यस, और जीरो से ज्यादा है तो ये कैसा है, टू एक्स। अब बेटा देखो मेरे को ये बात बताओ कि अगर मैं वेन डायग्राम सोचूं, अगर मैं मान लीजिए माइनस वन रख रहा हूं तब भी वैल्यू जीरो आ रही है, और माइनस टू रख रहा हूं तब भी वैल्यू जीरो आ रही है, मतलब सारे नेगेटिव वैल्यूज पे वैल्यू क्या आ रही है, जीरो, तो बताओ ये वन वन है या मेनी वन है। तुमने कहा बेटा मेनी वन है, और वैसे भी देखो बेटा एक्स एक्सिस अगर इसको कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तुमने कहा इनफाइनाइट पॉइंट पे, तो ये मेनी वन है। अब ऑनटो है या इनटो है, तुमने कहा बेटा इसकी रेंज बताओ, तुमने कहा बेटा रेंज इसकी, मैंने कहा तो रेंज तो इसकी बेटा आ रही है जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक। अच्छा रेंज जीरो से इनफाइनाइट, मैंने कहा बेटा रेंज तो जीरो से इनफाइनाइट, अच्छा जीरो से इनफाइनाइट, मैंने कहा बेटा रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है बेटा, तुमने कहा मेनी वन इंटो फंक्शन है। मेरे हिसाब से बात आपको क्लियर हो गई। बेटा क्वेश्चन ऐसे आता, एफ इज फ्रॉम आर टू आर, एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, या फिर मैं ऐसे बोलूं एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस मोड एक्स। तो बेटा इसको स्प्लिट करता, वही बात, एक्स जीरो से कम तो ये तो x और ये बेटा माइनस माइनस प्लस x, और x जीरो से ज्यादा तो x माइनस x। तो एफ एक्स इक्वल कितना बेटा, तुमने कहा 2x व्हेन x लेस देन जीरो और जीरो व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल जीरो। बेटा देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, बढ़िया बच्चों की तरह सुनना, x एक्सिस ये y एक्सिस, तुमने कहा अच्छा x एक्सिस y एक्सिस, मैंने कहा हाँ बेटा, बेटा x ग्रेटर देन जीरो है तो वैल्यू कितना, जीरो, ये बेटा ऐसे, और जब x लेस देन जीरो है तो ये y इक्वल टू एक्स जैसे, मैंने कहा हाँ बेटा ये ऐसे। तो बेटा जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू रख रहा हूं बेटा, ध्यान सुनना, सिंपल सा वेन डायग्राम बना देना, मैंने कहा वन तब भी जीरो, टू तब भी जीरो, मतलब पॉजिटिव वैल्यू रखते ही जीरो, तो ये कैसा फंक्शन, तुमने कहा मैं नहीं बना।
अच्छा रेंज इसकी क्या? तुमने कहा बेटा रेंज इसकी है वो है रेंज बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू जीरो, माइनस इनफाइनाइट टू जीरो. ओके तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोम. इसका मतलब बेटा ये कैसा हो गया? तुमने कहा मेनी वन इंटो फंक्शन हो गया. मेरे हिसाब से आपको बात क्लियर हो गई. बेटा ये कैसा फंक्शन? तुमने कहा इसकी बात कर रहे हो. बेटा ये कौन है? इंटीग्रल वैल्यू. अब इंटीग्रल वैल्यू आएगी तो साइन पाई ये भी जीरो, साइन टू पाई जीरो, तो एफ एक्स बेटा कितना हो गया? तुमने कहा जीरो. और इसका डोमेन क्या? तुमने कहा ऑल रियल वैल्यू. इसका मतलब बेटा ये कुछ भी वैल्यू रखो, वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू, ये वैल्यू तो जीरो या नहीं है बेटा. तुमने कहा अच्छा जीरो या नहीं, मतलब ये कैसा फंक्शन बेटा? तुमने कहा मेनी वन. अच्छा ऑन्टो है या इंटो है? तुमने कहा बेटा रिया कोडोमेन और रेंज तो केवल, रेंज इसकी क्या है? तुमने कहा रेंज तो बेटा सिंपल सी है, केवल जीरो. अच्छा तो रेंज इसके इक्वल नहीं है तो मेनी वन इंटो फंक्शन हो गया. क्या हो गया? रेंज केवल जीरो और यहाँ पे आर है तो रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, तो हम इसको कह सकते हैं मेनी वन इंटो फंक्शन. इफ एफ एक्स इज ऑन्टो फंक्शन देन सेट एस इज इक्वल टू तुमने कहा अच्छा एफ इज फ्रॉम आर टू एस देन इफ एफ एक्स इज ऑन्टो फंक्शन देन एस सेट एस इज इक्वल टू. बेटा एक बात बताओ साइन इसकी ये ऑन्टो फंक्शन है. तुमने कहा अच्छा ऑन्टो फंक्शन है तो बेटा ऑन्टो है तो इसकी रेंज क्या होगी? कोडोमेन के इक्वल होगी. तुमने कहा यस ऑन्टो में बेटा ऑन्टो है देन रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन. तुमने कहा यस. इसका मतलब बेटा रेंज इज रेंज ही इक्वल टू सेट एस है. अच्छा अच्छा बेटा एक बात बताओ तुम लोग साइन एक्स माइनस रूट थ्री कॉस एक्स ये किसके बीच में? तुमने कहा माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर. ए स्क्वायर कितना? वन. और रूट थ्री का स्क्वायर थ्री. इट इज वन स्क्वायर प्लस थ्री. तुमने कहा इस. अब बेटा यहाँ रूट थ्री का स्क्वायर कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे. ये रूट थ्री का स्क्वायर तो बेटा ये कितना हो गया? तुमने वन प्लस रूट थ्री का स्क्वायर बेटा कितना? वन प्लस रूट थ्री का स्क्वायर बताओ. वन प्लस थ्री फोर तो माइनस टू. साइन एक्स माइनस रूट थ्री कॉस एक्स और ये बेटा कितना? टू. बेटा इसमें मुझे वन भी ऐड करना है तो इधर भी वन ऐड कर दो, इधर भी वन ऐड कर दो और इधर भी वन ऐड कर दो. और ये किसके बराबर है बेटा? एफ एक्स के बराबर. और ये किसके बराबर? माइनस वन से लेकर थ्री के बिटवीन. अच्छा रेंज बराबर कितनी आ गई बेटा? तुमने कहा एस इक्वल आ गया माइनस वन से लेकर थ्री तक. ये हमारा क्वेश्चन है. मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई कैसे क्वेश्चन को डील करना है, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे डील होते हैं हम आराम से फाइंड कर सकते हैं. क्लियर? अब बेटा देखो ये क्वेश्चन है, मुझे इस क्वेश्चन को डील करना है, मुझे बताना है कि फंक्शन कैसा फंक्शन है. वन वन है, मैनी वन है, ऑन्टो है, इंटो है. तो बेटा एक तरीका, पहला अपना ट्रेडिशनल तरीका अपन अपनाते हैं. कौन सा? पहले ट्रेडिशनल तरीके से मैंने कहा बेटा एफ एक्स वन इक्वल एफ एक्स टू. तुमने कहा ठीक. बेटा मैंने कहा x1 माइनस टू अपॉन x1 माइनस वन इक्वल x2 माइनस वन अपॉन टू अपॉन x1 माइनस वन. x2 माइनस वन मल्टीप्लाई करता हूँ बेटा. x1 x2 माइनस x1 माइनस टू x2 प्लस टू इक्वल x1 x2 माइनस टू एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस टू. बेटा तुमने कहा ये एक्स वन एक्स टू, एक्स वन एक्स टू गया. अच्छा बेटा एक्स वन माइनस टू एक्स टू माइनस एक्स टू टू एक्स वन. बेटा यहाँ आती एक्स वन और ये टू तो गया और ये टू एक्स टू उधर आती प्लस का टू एक्स टू. अच्छा तो एक्स वन इक्वल एक्स टू आ गया.
बेटा ये तो क्लियर हो गया, ये वन वन फंक्शन है। अच्छा बेटा ऑनटो है या इनटो है? तो मैंने कहा बेटा रेंज फाइंड करनी पड़ेगी। तुमने कहा रेंज, मैंने कहा इक्वल वाई मान लो। तुमने कहा ठीक बेटा, मैंने कहा x माइनस टू इक्वल वाई एक्स माइनस वाई। तुमने कहा यस, तो बेटा वाई माइनस टू इक्वल एक्स वाई माइनस वन। तो x कितना बेटा, वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन। अच्छा अच्छा रेंज बेटा, रेंज इसकी क्या? तुमने कहा बेटा सारे रियल चलेंगे लेकिन वन नहीं चलेगा। अच्छा और यहां क्या देख रहा बेटा, आर देख रहा है। तो रेंज इज नॉट इक्वल्स टू, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। इसका मतलब कैसा? इंटो फंक्शन। तो मेरे पास ये क्लियर हो गया, ये फंक्शन कैसा फंक्शन है। तुमने कहा वन 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 इंटो। अच्छा वन वन इंटो, मैंने कहा हाँ बेटा ये वन वन इंटो है। मेरे हिसाब से आपको ये बात क्लियर हो गई। तुमने कहा यार सर एक बात बताओ, पहला जो मेथड आपने बताया वो ओके है, लेकिन क्या इसका और अल्टरनेट मेथड? मैंने कहा बेटा हम एक क्वेश्चन को तीन तरह से कर सकते हैं। तुमने कहा कैसे? दूसरा तरीका मेथड टू बेटा। तुमने कहा मेथड टू में इसका डिफरेंशियल करें बेटा एफ डैश एक्स। तो तुमने कहा बेटा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और एक्स माइनस वन एज इट इज और इसका डिफरेंशियल बेटा, तुमने कहा वन माइनस एक्स माइनस टू एज इट इज और इसका डिफरेंशियल वन। तो एफ डैश एक्स कितना बेटा, तुमने कहा एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस टू अपॉन। तो एफ डैश एक्स कितना बेटा, तुमने कहा वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। इट इज ग्रेटर देन जीरो, इंक्रीजिंग है गिवन डोमेन में, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, वन 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 वन। और रेंज अपन फाइंड कर चुके थे, तो बेटा कैसा फंक्शन, वन वन इंटो। तो ये फंक्शन वन वन इंटो फंक्शन है क्योंकि रेंज को डोमेन के इक्वल नहीं थी। तुमने कहा अच्छा, तुमने कहा एक और इसका ग्राफिकल मेथड। मैंने कहा बिल्कुल है बेटा ग्राफिकल मेथड, मेथड थ्री बेटा। इसका ग्राफ बनाया बेटा। तुमने कहा अच्छा ग्राफ बनाना चाहते हैं? मैंने कहा हाँ बेटा। देखो वाई इक्वल कितना बेटा, मैं इसको ऐसे कह दूँ एक्स माइनस वन माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। तो बेटा मैं इसको ऐसे कह दूँ वन माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। तुमने कहा यस। अब बेटा देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, बढ़िया बच्चों की तरह सुनना। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। बेटा एक्स इक्वल वन कैसा, एक्स इक्वल वन कैसा? तुमने कहा बेटा इधर। बेटा ये ग्राफ कैसा? तुमने कहा पहले मैं वाई इक्वल वन अपॉन एक्स माइनस वन का बनाता हूँ। तुमने कहा अच्छा। बेटा ये ग्राफ कैसा? तुमने कहा ये गिरता हुआ ग्राफ। बट मुझे तो माइनस अप्लाई हो रहा। अच्छा माइनस अप्लाई हो रहा, तो बेटा इमेज ले लेते हैं। तुमने कहा अच्छा इमेज लोगे? मैंने कहा हाँ बेटा ये इमेज ले। और इसकी इमेज बेटा कैसी? ऐसी। कोई टेंशन नहीं लेना और इसको हटा दो बेटा। इसको हटा दिया मैंने। तुमने कहा अच्छा हटा दिया इसको? मैंने हाँ बेटा इसको, इसको भी हटा दिया। अब ये किसका ग्राफ है? तुमने कहा ये ग्राफ है y इक्वल माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन का। बेटा इसमें मुझे वन ऐड करना है। तुमने कहा वन ऐड कर दो। वन ऐड करते इसको एक ऊपर उठाना पड़ेगा। ये लो बेटा एक ऊपर उठा दिया। एक ऊपर उठाते ही बेटा ये जो ग्राफ है वो इसको इस तरह से कह दूं बेटा, ये जो ग्राफ है वो इस तरह बन जाएगा। ये ऐसे नीचे और ये जो ग्राफ है बेटा यहां से ऊपर उठ गया और ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा बेटा। ये ऐसे, ये इस तरह जाएगा। तो अब कोई भी लाइन खींचो बेटा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? एक ही पॉइंट पे। तो वन वन है। अच्छा इसकी रेंज क्या नहीं आई? तुमने कहा बेटा वाई इक्वल वन कभी नहीं आ पाएगा। तुमने हाँ यार वाई इक्वल वन कभी नहीं आ पाएगा। इसका मतलब इसकी रेंज क्या? तुमने कहा रेंज बेटा सारे रियल लेकिन वन को छोड़कर। क्यों? क्योंकि y इक्वल वन पे ये इन्फाइनिट पे टच करेगा इसको।
इसका मतलब ये 1-1 इंटो फंक्शन है। तो बेटा एक क्वेश्चन को आप ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं, एक ट्रेडिशनल मेथड है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में आपको कभी कोई टेंशन नहीं है। अगर ग्राफ बनाना आ गया तो फिर क्वेश्चन दो कौड़ी का हो जाता है। बेटा मुझे इसका कह रहा है कि मुझे इसका क्लासिफिकेशन बताओ, क्या है, कैसा फंक्शन है। मैंने कहा बेटा ये इसके तीन रूट है। तुमने कहा ये तो ग्राफ ऐसे ही बनने वाला है। तुमने कहा यस ऐसा। कौन कौन है ये? x इक्वल थ्री, ये कौन? x इक्वल टू, ये कौन? x इक्वल वन। बेटा अगर इसके बीच में एक लाइन खींचे तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा? तुमने कहा बेटा बहुत सारे पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा, इसलिए ये मेनी वन फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है। अच्छा ये ऑन्टो है या इंटो है? तुमका रियल वैल्यू माइनस इन्फाइनिट से प्लस इन्फाइनिट, तो इंटो फंक्शन है। तो ये फंक्शन हो गया बेटा मेनी वन, मेनी वन ऑन्टो फंक्शन। क्यों बेटा? क्योंकि रेंज कितनी है बेटा? रेंज इसकी तुमने कहा रेंज इज इक्वल टू आर इक्वल को डोमेन। इसका मतलब बेटा ये कैसा फंक्शन है? तुम कहोगे ऑन्टो फंक्शन है, और ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए ये मेनी वन फंक्शन है। बेटा उसने कहा ये फंक्शन है, ये मेनी वन फंक्शन है, किस इंटरवल में? 0 to 1 में। तो मुझे बी का रेंज चाहिए। अच्छा बी का रेंज चाहिए। मैंने कहा बेटा ये ग्राफ कैसा? तुमने कहा ये ग्राफ ऐसा, ये पॉइंट बताओ बेटा। तुमने कहा ये पॉइंट? मैंने कहा बेटा ये पॉइंट। तुमने कहा माइनस बी बाई टू ए और माइनस डी बाई फोर ए। तुमने कहा यस, बताओ बेटा कितना? तुमने कहा माइनस बी बाई टू ए दैट इज टू कॉमा माइनस डी। डी कितना बेटा? ये माइनस डी बाई फोर ए। डी कितना? तुमने कहा बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू फोर अपॉन फोर ए। तुमने कहा यस। बेटा ये फंक्शंस कैसा फंक्शन है? मिनिमम फंक्शन है, किस इंटरवल में? तुमने कहा 0 to 1 में। तो ये एक्स इक्वल 0 और ये एक्स इक्वल 1 मीन्स 0 and 1 के बीच में ग्राफ बेटा ऐसे। तुमने कहा अच्छा ये वाला बात है। मैंने कहा अच्छा x इक्वल 0 और x इक्वल 1 और ये पॉइंट कौन सा बेटा? x इक्वल तुमने कहा माइनस बी बाई टू। तो बेटा ये x वैल्यू किसके बिटवीन लाई कर रही है? तुमने कहा बेटा ये वैल्यू लाई कर रही है 0 and 1 के बीच में। इसका मतलब बेटा माइनस बी बाई टू जो है वो 0 and 1 के बिटवीन लाई कर रहा है। तो बेटा मैं ऐसे कह दूँ माइनस बी इज बिटवीन टू। तुमने कहा यस। तो बेटा एक बात बताओ, माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो ये 0 और ये बेटा कितना? माइनस टू। मतलब बी बिलोंग्स टू कितना बेटा? माइनस टू टू 0। ये इज योर आंसर। बच्चों जैसी बात है, हम आराम से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। अब बेटा ये क्वेश्चन है, मुझे बताना है ये फंक्शन कैसा है। तुमने कहा बेटा ये फंक्शन? मैंने कहा हाँ बेटा। इसके फैक्टर करें तो क्या आ रहे? तुमने कहा बेटा x अगर 0 रखें तो ये 2x क्यूब x इक्वल 1 0 रखें तो 1 आ रहा है, ठीक है, और माइनस 1 रखें तो माइनस 2 नहीं बैठ रहा है। बेटा ये मुझे कोई फैक्टर तो हो नहीं पा रहे हैं। तुमने कहा ठीक है फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर इस क्वेश्चन को ग्राफ कैसे बनाएं? तुमने कहा बेटा फिर इसके लिए अपन इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखते हैं, इसका डिफरेंशियल करते हैं। तुमने कहा बेटा ये क्या हो जाएगा? 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। तुमने कहा अच्छा बेटा इसको अपन कहेंगे 6 कॉमन ले ले, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इट इज इक्वल्स टू 6x माइनस 2x माइनस 3। बेटा एक बात बताना कि तुमने कहा x इक्वल 2 और x इक्वल 3। मैंने कहा हाँ बेटा। मेरी बात ध्यान से सुनना तुमने। अब बिल्कुल बेटा, अब ये मेरे को एक बात समझ में आ गई बेटा कि अगर मैं रियल वैल्यू को ऐसे देखूं माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, तो बेटा एक टू आ रहा है एक थ्री आ रहा है, तो प्लस माइनस प्लस। तो बेटा जीरो से माइनस इनफाइनाइट से टू के बीच में ये कैसा फंक्शन होगा? तुमने कहा पॉजिटिव, f(x) पॉजिटिव, मतलब ये इंक्रीजिंग है। इस इंटरवल में तुमने कहा डिक्रीजिंग है और इस इंटरवल में वापस इंक्रीजिंग है। तुमने कहा अच्छा अच्छा मुझे कहाँ तक जाना है बेटा? तुमने कहा बेटा हमको जाना है 0 to 3 तक, तो मैं 0 to 3 तक ही बनाता हूँ बेटा ये वाई एक्सिस। मैंने कहा एक्स तुम 0 हो? उसने कहा हाँ मैं 0 हूँ। तो एक्स को अगर 0 रखूँ तो f0 कितना? तो
तुमने कहा एफ जीरो, मैंने कहा ध्यान से सुनना बेटा अच्छे बच्चों की तरह, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एफ जीरो कितना, वन, अच्छा वन, अच्छा मुझे कहां से कहां तक चलना है, मुझे तो वन जीरो से लेकर थ्री तक ही चलना है, मैंने कहा तो जीरो से लेकर वन तक ये इंक्रीज होगा, जीरो में वैल्यू कितनी, वन, तो वन से लेकर ये इंक्रीज होगा बेटा, इंक्रीज होता होता और बेटा इंक्रीज होगा जीरो से वन तक और फिर वापस क्या होगा, डिक्रीज होगा, अच्छा वह जीरो से लेकर वन तक इंक्रीज होगा, मतलब जीरो से लेकर टू तक इंक्रीज हो रहा है, फिर टू से लेकर थ्री तक डिक्रीज हो रहा है, अच्छा इसका मतलब बेटा यहाँ जीरो से लेकर मैं टू तक देखता हूँ ऐसे बेटा, ये ऐसे ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, कहाँ तक, टू तक, तुमने कहा अच्छा टू तक इंक्रीज हो रहा है, ओके इंक्रीज, और फिर बेटा टू पे तो जीरो है और फिर डिक्रीज हो रहा है, अब बेटा ये नीचे जा रहा है या नहीं जा रहा है मुझको पता नहीं है, तो मैंने कहा बेटा F2 तुम कितना हो, तो उसने कहा F2 की बात कर रहे हो, मैंने कहा X की जगह 2 रखता हूँ बेटा, 2 टू जा, तुमने कहा X2, X F2 कितना, तो F2 बेटा मेरे पास आ गया 2 इंटू 8 माइनस 15 इंटू 4 प्लस 36 इंटू 2 प्लस 1, दैट इज F2 कितना आ गया बेटा, तुमने कहा 16 माइनस 60 प्लस 72 प्लस 1, तो 16 32 गया तो बेटा 12 और 16 18, 12 और 16 28 29, F2 29 आ गया, F2 29 आ गया, अच्छा F2 29 आ गया, अच्छा F3 कितना, क्योंकि थ्री तक तो बेटा डिक्रीज हो रहा है, मैंने कहा एफ थ्री, मैंने कहा हाँ बेटा तो एफ थ्री बेटा रखो, तुमने कहा टू इंटू 27, तुमने कहा माइनस 15 इंटू 9 प्लस 36 इंटू 3 प्लस 1, तो एफ थ्री आ गया बेटा कितना, तुमने कहा 54 माइनस 35 प्लस, तो 108 प्लस 1, तो बेटा 54 और 108 में से गया बेटा, तो मेरे पास बचा 10 25 और माइनस 27 27, तो बेटा ये कितना आ रहा है F3, तुमने F3, मैंने कहा बेटा F3, तुमने कहा बेटा 108 और 54, दैट इज 54 प्लस 109, तो बेटा कितना 13, और यहाँ से बेटा मेरी बात ध्यान सुनना, 4 और 9 13 और 13 और 6 163, 163 में से 138 हटा दूँ, 135 हटा दूँ तो 8, और यहाँ से बेटा यहाँ से 2 28, अच्छा 28 ओके, तो F3 28 आ गया, टेंशन ही नहीं बेटा, तो मेरे बात समझ में आ गई बेटा, यहाँ पे देखो मेरा ग्राफ समझना बेटा, तुमने कहा वन से इंक्रीज होता हुआ फिर ये डिक्रीज होगा और यहाँ तक आएगा और फिर ये ऐसे जाएगा, लेकिन मुझको यहाँ थ्री है बेटा ये, तो मेरे समझ में आ गई, मुझे तो यहाँ से वापस इंक्रीज होना था पर मुझे तो इतना ही जाना है, कहाँ तक, ये कहाँ पे बेटा, ये कितना, ये तुमने कहा ये एक्स इक्वल टू था, अच्छा इस पे y की वैल्यू कितनी, तुमने कहा y की वैल्यू बेटा 29 और ये बेटा कितना था x इक्वल 3 था, और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी, तुमने कहा 28, अच्छा मुझे कहाँ से कहाँ तक जाना था, तुमने कहा बेटा यहाँ 0 से लेकर और 3 तक जाना था, अब बेटा 0 से लेकर 3 तक ये ग्राफ देखो ऐसे बढ़ता हुआ 2 पे मैक्सिमम फिर कम होता हुआ वापस 28 पे, तो आप इसका रेंज अगर बात करूँ तो रेंज इसकी क्या आ गई, तुमने कहा रेंज आ गई बेटा 1 से लेकर 29 तक, और ये किसके इक्वल है, कोडोमेन, ओके, कैसा फंक्शन, तुमने कहा ऑन्टो फंक्शन, अच्छा एक लाइन खींचे पैरेलल टू एक्स एक्सिस बेटा कितने पॉइंट पे, इस पे इंटरवल पे डिवाइड कर रहा है 2 पे, अच्छा इसलिए 1 1 मैनी 1, तुमने कहा बेटा मैनी 1, तो क्लियर हो गई बात, ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, मैनी 1, क्यों मैनी 1 है, क्योंकि बेटा ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और ऑन्टो क्यों, क्योंकि रेंज और कोडोमेन इक्वल है इसलिए ऑन्टो फंक्शन है, मेरे हिसाब से ये बात आपको क्लियर हो गई बेटा। इस क्वेश्चन को देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि f माइनस 4 टू 2 से s तक है, s कोई सेट है और ये ऑन्टो फंक्शन है, तो सेट s चाहिए,
अच्छा मतलब इसकी रेंज चाहिए डायरेक्टली, मतलब ऑन्टो है इसका मतलब रेंज किसके इक्वल, कोडोमेन के इक्वल है। तुमने कहा इसका ऑन्टो है, ऑन्टो है दैट इज रेंज इक्वल कितना बेटा सेट एस। मतलब डायरेक्टली अगर ऐसे देखा जाए तो ये नाम ऑन्टो का लिया है, डायरेक्टली ये क्वेश्चन रेंज का है कि रेंज इसकी फाइंड करनी है। तुमने कहा अच्छा अच्छा बेटा देखो मेरी बात सुनना, एफ एक्स इक्वल कितना, तुमने कहा बेटा x, x प्लस टू, x प्लस फोर, x प्लस सिक्स। बेटा एक बात बताना, तुम लोग बहुत बढ़िया बच्चे हो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना अच्छे बच्चों की तरह। तुमने कहा बिल्कुल हम ध्यान सुनेंगे। बेटा इसको और इसको पेयर में ले लो और इसको पेयर में ले लो। तुमने इससे फायदा क्या होगा, मैंने कहा रुको बेटा फायदा क्या होने वाला उससे सुनो। एक्स प्लस टू, एक्स प्लस फोर, एक्स और एक्स प्लस सिक्स प्लस सेवन। बेटा एफ एक्स कितना, तुमने कहा बेटा ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस एट, और ये कितना बेटा एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस सेवन। बेटा मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स को टी मान लो, तुमने कहा अच्छा टी माने इसको, मैंने कहा हाँ बेटा इसको टी मानो। तो बेटा एफ एक्स कितना आया, तुमने कहा बेटा टी प्लस एट इंटू टी प्लस सेवन। तो एफ एक्स कितना आया बेटा, तुमने कहा एफ एक्स आ गया हमारे पास टी स्क्वायर प्लस एट टी प्लस सेवन, टी स्क्वायर प्लस एट टी प्लस सेवन। इसके फैक्टर करूं तो बेटा कितना एफ एक्स इक्वल कितना टी प्लस सेवन और टी प्लस वन, एफ एक्स इक्वल। तुमने कहा बेटा एफ एक्स इक्वल आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सेवन, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस सेवन और एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस वन। तुमने कहा यस बेटा, अब ये आ गया मेरे पास एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस सेवन और एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस वन। इसको सॉल्व करना, अब बेटा इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो मेरे पास वैल्यूज क्या। तुमने कहा यार इस पे सॉल्व करूंगा तो वैल्यूज क्या, मैंने कहा हाँ बेटा अब ये मेरे पास आ गया है तो मैंने इसको कैसे डील करूं, एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस वन सेवन। तुमने कहा अच्छा अच्छा बेटा इसकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कोई कॉन्सेप्ट समझता हूँ तब मुझे कुछ समझ में आएगा। तुमने कहा ठीक है बेटा, बेटा इसका डिफरेंशियल करता हूँ एफ डैश एक्स, तो बताओ ये कितना बेटा क्या। तुमने कहा एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस सेवन एज इट इज और इसका डिफरेंशियल टू एक्स प्लस सिक्स और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस वन एज इट इज और इसका डिफरेंशियल टू एक्स प्लस सिक्स। सुनना बेटा मेरी बात ध्यान से, तो एफ डैश एक्स कितना आ गया, तुमने कहा टू एक्स प्लस थ्री कॉमन ले लो और यहां क्या बचा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस सेवन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस वन, दैट इज एफ डैश एक्स इक्वल कितना बेटा टू ऑफ एक्स प्लस थ्री और एक्स टू कॉमन ले लो बेटा, तुमने कहा यस टू और कॉमन ले लो तो यहाँ फोर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स और फोर। अच्छा ये बेटा मैंने कहा हाँ बेटा ये वाला है। अब बेटा देखो ये मेरे पास आया x प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फोर, मैंने कहा यस। अब ये कहाँ पे किस तरह से मुझे इंटरवल कौन सा चाहिए, माइनस फोर से टू, ओके इसको सॉल्व करें बेटा, ये जीरो कहाँ कहाँ हो रहा है। इसको देखो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और फिर इसको रफ कर देता हूँ बेटा, तुमने कहा यस। बेटा ये जीरो का एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फोर को जीरो करो, तुमने कहा बेटा एक्स आएगा माइनस सिक्स प्लस माइनस अंडर रूट थर्टी सिक्स माइनस फोर इंटू फोर बाई टू, तो एक्स आएगा माइनस थ्री प्लस माइनस अंडर रूट नाइन माइनस फोर बाई टू। मीन्स एक्स हमारे पास आया बेटा माइनस थ्री
प्लस रूट फाइव और माइनस थ्री माइनस रूट फाइव। मतलब बेटा ये जो अगर बात करूं एफडेस एक्स के कॉन्टेक्स्ट में, एफडेस एक्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो बेटा एक तो आ रहा माइनस थ्री, एक तो माइनस थ्री माइनस रूट फाइव, एक आ रहा माइनस थ्री, एक आ रहा माइनस थ्री प्लस रूट फाइव। बात सुनना ध्यान से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना बेटा। तुमने कहा अच्छा अच्छा बिल्कुल हम ध्यान से सुनेंगे। अच्छा एक बात बताओ बेटा, यहां से स्टार्ट करें, मुझे किस इंटरवल में जाना है? तुमने कहा माइनस फोर से टू में, माइनस फोर इससे बड़ा है या छोटा? तुमने कहा माइनस फोर तो इधर है, और माइनस थ्री प्लस टू कितना? तुमने कहा टू तो माइनस थ्री प्लस टू इधर कहीं है ये बेटा। तो आप देखें बेटा, मुझे इधर जाना ही नहीं, तो मैं इधर देखूं प्लस माइनस प्लस, मुझे इस इंटरवल में। तो बेटा माइनस फोर से माइनस थ्री में फंक्शन क्या है? इंक्रीज है। फिर माइनस थ्री से माइनस थ्री प्लस रूट फाइव में फंक्शन क्या है? डिक्रीज है। और माइनस थ्री प्लस रूट फाइव से एक्स इक्वल टू तक फंक्शन क्या है? वापस इंक्रीज है। तो मैं ग्राफ अगर बनाना चाहूं बेटा, तो ध्यान से सुनना बेटा, माइनस फोर से तो ये क्या होगा बेटा? तुमने कहा इंक्रीज होगा, तुमने कहा इंक्रीज होने दो। फिर ये माइनस थ्री पे जाके फ्लैट होके और वापस गिरने लगेगा, तुमने कहा यस। और फिर बेटा माइनस थ्री प्लस रूट फाइव से फिर आगे बढ़ता हुआ, ऐसे बढ़ता हुआ वापस बढ़ेगा टू तक, तुमने कहा। मुझे कहाँ से कहाँ तक चाहिए? तुमने कहा x इक्वल माइनस फोर पे और x इक्वल किस पे? टू पे, यहाँ पे बेटा तुमने कहा। अच्छा अब सुनना मेरी बात ध्यान से बेटा, हाइएस्ट वैल्यू तो यहाँ पे देगा और लोएस्ट वैल्यू यहाँ पे देना चाहिए, क्योंकि फ्लैट जीरो पे है। अच्छा तो ये कौन है बेटा? तुमने कहा ये किस पॉइंट पे है? तुमने कहा एक्स इक्वल माइनस थ्री, ओके। और ये पॉइंट कौन सा बेटा? तुमने कहा एक्स इक्वल माइनस थ्री प्लस रूट फाइव। इसका मतलब इसकी रेंज क्या हो गई? सेट एक्स, रेंज इक्वल सेट एस, दैट इज हो गई बेटा एफ ऑफ माइनस थ्री प्लस रूट फाइव से लेकर एफ ऑफ माइनस थ्री तक। मिनिमम वैल्यू किस पे बेटा? माइनस थ्री, क्योंकि माइनस थ्री प्लस रूट से फिर इंक्रीज होने के लिए बढ़ने लगेगा, यहां से यहां तक माइनस थ्री तक बढ़ेगा और फिर गिरने लगेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू माइनस थ्री पे और मिनिमम वैल्यू किससे? माइनस थ्री प्लस रूट फाइव पे। तो मेरी रेंज हो गई एफ ऑफ माइनस थ्री प्लस रूट फाइव और एफ ऑफ माइनस थ्री। मैं इन दोनों की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं, हमारा काम बन जाएगा। तुमने कहा ठीक है बेटा। देखो ऐसे एफ माइनस थ्री कितना? तुमने कहा एफ माइनस थ्री, मैंने कहा बेटा माइनस थ्री रख के देखो, माइनस थ्री माइनस थ्री प्लस टू माइनस वन, माइनस थ्री प्लस फोर और माइनस थ्री प्लस सिक्स और प्लस सेवन, दैट इज एफ ऑफ माइनस थ्री कितना बेटा बताओ? थ्री और थ्री बेटा, थ्री इंटू वन और थ्री प्लस सेवन, दैट इज थ्री थ्री जा नाइन, नाइन प्लस सेवन दैट इज सिक्सटीन, ओके। अब बेटा टास्क, मेन टास्क है ये वैल्यू फाइंड करना। तुमने कहा अच्छा ये वैल्यू बेटा एक्स इक्वल मुझे क्या देख रहा है? एक्स इक्वल माइनस थ्री प्लस रूट फाइव, इस पर वैल्यू देखनी। तो बेटा मैं इसको इधर ले आऊँ, एक्स प्लस थ्री इक्वल कितना? रूट फाइव। तो इसका स्क्वायर करूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन इक्वल कितना बेटा? तुमने कहा रूट फाइव, स्क्वायर किया तो फाइव। तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स की वैल्यू कितनी? तुमने कहा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स की वैल्यू आ गई माइनस फोर। तुमने कहा अच्छा माइनस फोर, मैंने कहा हाँ बेटा। अब एक बात बताओ बेटा, यहां से मैंने एफ एक्स को क्या कहा था? यहां से एफ एक्स को एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स और यहां से बेटा एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस एट और ये प्लस सेवन, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स, सिक्स एक्स प्लस एट, ये बेटा। अब मुझे एफ ऑफ माइनस थ्री प्लस रूट फाइव चाहिए।
तो बताओ एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स की वैल्यू कितनी? तुमने कहा माइनस फोर, कोई टेंशन नहीं बेटा, ये कितना माइनस फोर प्लस एट और प्लस सेवन, तुमने कहा यस। तो बेटा बताओ माइनस फोर और माइनस प्लस एट, माइनस सिक्सटीन प्लस ये कितना हो गया बेटा, माइनस माइनस सिक्सटीन प्लस सेवन दैट इज माइनस नाइन। तो बेटा मेरी रेंज कितनी हो गई? देखो बेटा एफ ऑफ माइनस थ्री प्लस रूट फाइव कितना आ रहा है? तुमने कहा माइनस नाइन, और एफ ऑफ माइनस थ्री कितना आ रहा है? सिक्सटीन। तो हमारे पास ये इसकी रेंज आ गई, सेट एस आ गया। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, लेवल वाला क्वेश्चन है, समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं करना बेटा। पहले तो इसको ही सेट बनाना, इन दोनों का एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस एट और एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स, तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स को टी मान के उसे सॉल्व करना और फिर उसके इंटरवल देखते हुए ब्रेक करना। तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई है। अगर कोई बात समझ में ना आए तो बेटा इसको पॉज करके धीरे धीरे करके इसको समझना, आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। ऐसे क्वेश्चन जेई एडवांस में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा इसमें समझ, वो इस पर ये भी कर सकता था, वो कहता कि बताओ इसमें इसकी रेंज में कितने इंटीजर्स है, तो इंटीजर माइनस नाइन से सिक्सटीन के बीच में कितने इंटीजर हो सकते हैं, उन इंटीजर को भी अपने को कंसिडर करना है, अपन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया, आगे और अपन डिटेल में जाते हैं। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।